Hi guys, this is Sonal from Insignia Overseas, hashtag SonalPTZone, and today we will discuss about the templates. आज हम discuss करेंगे templates के बारे में जो आप अपने PT exam में use करते हैं. So are these templates working in this new format or not? And answer is yes, these templates are working. But you have to use them wisely because we know that the level of exam has increased as compared to past, the difficulty level I would say that. तो आई विल डिस्कस अबाउट द मॉड्यूल जिसमें हम टेम्पलेट यूज करते हैं और उन्हें कैसे यूज करना चाहिए. एंड योर फर्स्ट मॉड्यूल, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब इमेजेस जिसमें आप इन टेम्पलेट्स का यूज करते हैं, इन फॉर्मेट्स का यूज करते हैं. तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू टेक केयर ऑफ, यू हैव टू एड सम रेलेवेंट कंटेंट फ्रॉम योर इमेज. आप ऐसे कुछ भी नहीं बोल सकते, आप नहीं बोल सकते कि दिस इज माई फेवरेट कलर. आपकी इमेज में कुछ कलर है भी नहीं है तो बोल देते हैं. आई नो दैट आपके टेम्पलेट्स के बारे में मैं जानती हूँ अच्छे से, बट आप कुछ भी इररेलेवेंट मत बोलिए. आपको अपना कुछ मेन कंटेंट ऐड करना ही पड़ेगा उस टेम्पलेट के अंदर, तभी जाकर आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, बिकॉज इट इज कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड मॉड्यूल इज रीटेल लेक्चर. तो रीटेल लेक्चर आजकल एग्जाम में एक आ रहा है, कुछ सम स्टूडेंट्स आर गेटिंग टू रीटेल लेक्चर्स. सो अलॉन्ग विथ प्रॉपर फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द कंटेंट इन रीटेल लेक्चर वाइल यूजिंग वट एवर द टैम्पलेट यू आर यूजिंग. देर आर सो मेनी स्टूडेंट, सो मेनी टैम्पलेट्स, यू कैन यूज एनी ऑफ दैम, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो कंटेंट है वो रेलिवेंट हो आपके लेक्चर से. और ऐसे ही कुछ भी उठाकर नहीं भूल देना अपने रीटेल लेक्चर के अंदर. प्रॉपर जो कीवर्ड्स, जो चीज़ें आपने लेक्चर से उठाई हैं वही बोलिए, तभी ये टेम्पलेट काम करेंगे, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है. अगर आप कंटेंट अच्छा डालेंगे, अगर आप बात करूँ मैं 3 से 4 कीवर्ड्स हैं आपके पास या 5 कीवर्ड्स हैं आपके पास, आप उन्हें ही रिपीट करके अपना टाइम पूरा कर रहे हैं, तो नो डाउट इट विल गिव यू मार्क्स इन स्पीकिंग बिकॉज ऑफ प्रॉपर फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन, बट इट विल नॉट गिव यू मार्क्स इन लिसनिंग. सो टैम्पलेट इज ओके, टैम्पलेट का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, देर आर सो मेनी टैम्पलेट्स, बट यू हैव टू एड सम रेलिवेंट कंटेंट फ्रॉम योर लेक्चर. थर्ड मॉड्यूल इज योर एसे. यस, फुली फ्लैश ऐसे बच्चे याद करके जाते हैं, एंड यू वट यू हैव टू डू, यू हैव टू एड वन सेंटेंस इन दैट. लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल, देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स विच आर यूजिंग दिस थिंग, दीज थिंग्स, बट मेक श्योर अगेन टैम्पलेट इज ओके. आप कुछ भी, बहुत सारे टैम्पलेट्स हैं मार्केट के अंदर, बहुत आप कुछ भी यूज कीजिए, बट you have to add some content related to your topic in your answer, otherwise it will not gonna work, you will not be able to achieve your desired score band. It is very important to add some related, you know, relevant content related to topic in your answer. And the last module is summarize spoken text. अगेन ये टैम्पलेट कैसे भी चल सकते हैं, कुछ भी टैम्पलेट आप यूज कर सकते हैं उसके अंदर भी, फुली फ्लैश टैम्पलेट्स भी हैं. फुली फ्लैश टैम्पलेट का यूज मत कीजिए प्लीज, बिकॉज इट विल नॉट गोना गिव यू मार्क्स एनी हाउ. तो आप लेक्चर को सुनिए, ध्यान से सुनिए, अपने लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए और रेलिवेंट कंटेंट जो है उसके अंदर जरूर डालिए अपने आंसर के अंदर. रेलिवेंट कंटेंट से मेरा मतलब है कीवर्ड्स का. अगर आप 3-4 कीवर्ड्स ही डालते हैं, नो डाउट इट विल गिव यू मार्क्स इन लिसनिंग, बट इट विल नॉट गोना गिव यू मार्क्स इन राइटिंग. सो योर कीवर्ड्स शुड बी मोर देन 10 और 12 और 15, मतलब जितने ज्यादा लिखो उतना ही अच्छा होगा. टैम्पलेट यू कैन यूज एनी टैम्पलेट. सो टैम्पलेट्स आर वर्किंग इन ऑल द मॉड्यूल्स जिसमें भी आप यूज कर रहे थे, बट मेक श्योर कि अब आप कंटेंट पे भी फोकस करें, बिकॉज अगेन मैं बोल रही हूँ कि डिफिकल्टी लेवल एग्जाम का एज कम्पेयर टू पास तो बढ़ ही चुका है. सो मेक श्योर कि टैम्पलेट कोई भी यूज कीजिए, बट उसमें कंटेंट डालना ना भूलिए, उसके लिए आप हार्ड वर्क कीजिए. और इससे रिलेटेड इफ यू वॉन्ट एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टेक्ट मी. थैंक यू.